हल्द्वानी की लालकुआं कोतवाली इलाके में हुए युवती के अपहरण के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस के मुताबिक उन्होंने युवती को काठगोदाम इलाके से सकुशल बरामद कर लिया है। साथ ही इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपी सोनू और उसके जीजा काफिल अहमद को भी गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि फिल्मी अंदाज में आरोपी सोनू और काफिल अहमद ने कार में युवती को किडनैप किया था, इसके बाद उसे काठगोदाम ले गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने 6 टीमें लगाकर जाँच की, जिसके बाद युवती सकुशल बरामद हो सकी। हालांकि दोनों ने युवती को किडनैप क्यों किया इसकी पुलिस पड़ताल कर रही है और आईजी कुमाऊं ने 5000 और एसएसपी ने मामले का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 2500 रुपए का इनाम दिया है। हल्द्वानी की लालकुआं कोतवाली इलाके में हुए युवती के अपहरण के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस के मुताबिक उन्होंने युवती को काठगोदाम इलाके से सकुशल बरामद कर लिया है। साथ ही इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपी सोनू और उसके जीजा काफिल अहमद को भी गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि फिल्मी अंदाज में आरोपी सोनू और काफिल अहमद ने कार में युवती को किडनैप किया था, इसके बाद उसे काठगोदाम ले गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने 6 टीमें लगाकर जाँच की, जिसके बाद युवती सकुशल बरामद हो सकी। हालांकि दोनों ने युवती को किडनैप क्यों किया इसकी पुलिस पड़ताल कर रही है और आईजी कुमाऊं ने 5000 और एसएसपी ने मामले का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 2500 रुपए का इनाम दिया है। हल्द्वानी की लालकुआं कोतवाली इलाके में हुए युवती के अपहरण के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस के मुताबिक उन्होंने युवती को काठगोदाम इलाके से सकुशल बरामद कर लिया है। साथ ही इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपी सोनू और उसके जीजा काफिल अहमद को भी गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि फिल्मी अंदाज में आरोपी सोनू और काफिल अहमद ने कार में युवती को किडनैप किया था, इसके बाद उसे काठगोदाम ले गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने 6 टीमें लगाकर जांच की, जिसके बाद युवती सकुशल बरामद हो सकी। हालांकि दोनों ने युवती को किडनैप क्यों किया इसकी पुलिस पड़ताल कर रही है और आईजी कुमाऊं ने 5000 और एसएसपी ने मामले का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 2500 रुपए का इनाम दिया है। हल्द्वानी की लालकुआं कोतवाली इलाके में हुए युवती के अपहरण के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस के मुताबिक उन्होंने युवती को काठगोदाम इलाके से सकुशल बरामद कर लिया है। साथ ही इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपी सोनू और उसके जीजा काफिल अहमद को भी गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि फिल्मी अंदाज में आरोपी सोनू और काफिल अहमद ने कार में युवती को किडनैप किया था, इसके बाद उसे काठगोदाम ले गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने 6 टीमें लगाकर जाँच की, जिसके बाद युवती सकुशल बरामद हो सकी। हालांकि दोनों ने युवती को किडनैप क्यों किया इसकी पुलिस पड़ताल कर रही है और आईजी कुमाऊं ने 5000 और एसएसपी ने मामले का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 2500 रुपए का इनाम दिया है। हल्द्वानी की लालकुआं कोतवाली इलाके में हुए युवती के अपहरण के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस के मुताबिक उन्होंने युवती को काठगोदाम इलाके से सकुशल बरामद कर लिया है। साथ ही इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपी सोनू और उसके जीजा काफिल अहमद को भी गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि फिल्मी अंदाज में आरोपी सोनू और काफिल अहमद ने कार में युवती को किडनैप किया था, इसके बाद उसे काठगोदाम ले गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने 6 टीमें लगाकर जाँच की, जिसके बाद युवती सकुशल बरामद हो सकी। हालांकि दोनों ने युवती को किडनैप क्यों किया इसकी पुलिस पड़ताल कर रही है और आईजी कुमाऊं ने 5000 और एसएसपी ने मामले का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 2500 रुपए का इनाम दिया है।